वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी फलक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडा चिकन कबाब की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम तेल गरम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब ज़ीरा सौते हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज बहुत ही बारीक कटी हुई होनी चाहिए। इसमें ऐड करने के बाद प्याज और जीरा को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर प्याज और जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच हरी मिर्च और लहसुन। हरी मिर्च और लहसुन कुटा हुआ होना चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए हमें, कुटा हुआ होना चाहिए। उसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। 1 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा। चिकन का कीमा थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर कीमा को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक किया है। फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच नमक ऐड किया मैंने, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें ढक्कन ढककर इसे 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। याद रखें कि हमने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो बिना पानी ऐड किए इसे ढक्कन ढककर 5 से 10 मिनट तक कुक करना है अच्छे से। 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो अभी हम अपना चिकन का कीमा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पानी पूरी तरीके से खुश हो गया है तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो अभी हमें इसे ठंडा करना है, तो मैं यहाँ पर एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद अभी हम एक मिक्सर जार लेंगे और चिकन के कीमे को बारीक पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा पूरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे लिया है। अंडे को मैं इस तरीके से बीच से कट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको अंडा को कट करना है। इसी तरीके से मैं सारे अंडे को कट कर लूंगी। इसके बाद जो हमें येलो पार्ट होता है अंडे का, उसको निकाल के अलग साइड में रखना है। इस तरीके से मैंने सारे अंडे के येलो पार्ट को निकाल के अलग साइड में रख दिया है। अभी हमें इससे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमने कीमा बनाया था उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने कीमा पीसा था चिकन का, उसमें इसको ऐड कर देंगे। और जो हमने येलो पार्ट जो अंडे का निकाला था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कीमा जो है थोड़ा ड्राई हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे साइड में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर बाइंडिंग के लिए हम 1 कटोरे में 2 अंडा ऐड करेंगे। दो अंडा ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक
दो चम्मच मैदा, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। फिर हमने जो कीमा रेडी किया है, जो ठंडा हो गया है, इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। अच्छे से मिला लेंगे इसे। अभी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई है, अंडा भी रेडी है, कीमा भी रेडी है, बाइंडिंग का भी रेडी है। तो अभी हमें जो हमने अंडा पीस से कट किया था उसके अंदर हमें कीमे की स्टफिंग करनी है। तो कीमा अच्छे से इसमें ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जो दूसरा अंडा है उसको उसमें अच्छे से लगा लेंगे। टूथपिक की मदद से इसे हम कवर करेंगे। छोटी टूथपिक, बड़ी टूथपिक जो भी हो आपके पास, उसको इस तरीके से यूज करेंगे। इसी तरीके से हम सारे एग को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे अंडे तैयार कर ली हूँ। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो जो हमने बाइंडिंग तैयार की थी अंडे की, मैदे की, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही प्यार से उसको इसमें डिप करेंगे और इसे तेल में डिप फ्राई करेंगे। 1 by 1 ऐड करते जाएंगे और तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और अच्छे से तेल में इसे डिप फ्राई करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे स्टार्टर में, स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा है। इसी तरीके से हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन अंडे का कबाब पूरी तरीके से रेडी हो गया है। मैं इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ और आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।